मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में बुधवार शाम से ही मौसम का मिजाज बिगड़ने लगा था। देर रात तेज गरज और चमक के साथ कुछ क्षेत्रों में जोरदार हवा, आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई। वहीं से बेमौसम की बारिश और ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। किसानों की बर्बादी की ये वो तस्वीर है जो विदिशा जिले की लटेरी तहसील से सामने आई है, जिसे देखकर आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक तरफ लगातार कोरोना का कहर, साथ ही लगातार बढ़ती महंगाई ने किसानों की कमर तोड़ रखी है, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना की बढ़ती आहट के बीच बुधवार की रात अचानक तेज बारिश और भारी ओलावृष्टि ने किसानों की जान मुसीबत में डाल दी है। किसानों की खेत में तैयार खड़ी गेहूं की फसल के साथ साथ चना, सरसों, धनिया आदि की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं जनप्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्र का निरीक्षण कर फसलों का सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। JSR टाइम्स के लिए विदिशा से अविनाश नामदेव की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।